जय माँ काली। मित्रों, आपका मेरे चैनल स्वप्न रहस्य में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो स्वप्न है वो स्वप्न ये है कि अगर आप स्वप्न में बजरंगी बाबा को देखते हैं, यानी हनुमान जी को अगर आप स्वप्न में देखते हैं, तो उसका क्या फल आपको प्राप्त होता है। पहली बात तो ये कि जो हनुमान जी आपको स्वप्न में दिखाई देते हैं वो सभी को नहीं दिखाई देते, क्योंकि हनुमान जी बहुत ही रेयर केसेस में स्वप्न में दिखाई देते हैं। हनुमान जी अधिकांशतः उन्हीं लोगों को दिखाई देते हैं जो बाबा की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और जो सच्चे मन से बाबा से जुड़े हैं। अन्यथा हनुमान जी किसी को जल्दी से स्वप्न में नहीं दिखाई देते। आपको देवी माँ दिखाई दे सकती है, भोलेनाथ, शिवलिंग, सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन हनुमान जी इतनी जल्दी से, इतनी आसानी से किसी को स्वप्न में दर्शन नहीं देते हैं। तो जिस प्रकार से हनुमान जी दर्शन देते हैं तो वो शुभता का प्रतीक होता है, क्योंकि हनुमान जी वीर हैं, वीर बजरंगी हैं और संकट मोचन हैं और सभी रोगों का नाश करने वाले हैं, भूत बाधा को दूर करने वाले हैं। जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उसके बाद आपको किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का भय नहीं रहता है, क्योंकि हनुमान जी रोग, पाप, दोष सबको हर लेते हैं। तो ये उनकी खूबी है, क्वालिटी है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो आपको स्वप्न में दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको हनुमान जी स्वप्न में दिखाई देते हैं कि वो एक विशाल रूप में खड़े हैं, यानी जो उनका आकार है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़े विशाल रूप में आपको अगर वो दर्शन देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो आपको इशारा करते हैं कि आपका शत्रु नाश होने वाला है और उस शत्रु बाधा से आपको बहुत जल्दी मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि जो शत्रुओं का शमन करने का कार्य भी बालाजी महाराज यानी हनुमान जी करते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है बड़े रूप में देखने का कि वो शत्रुओं का शमन आपका जल्दी ही करेंगे। अगर आपको सोते हुए हनुमान जी दिखाई देते हैं, जैसे कि हनुमान जी सो रहे हैं ऐसे आपको स्वप्न में दिखाई देते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपके पारिवारिक रोग, जैसे कि आपके घर में कोई पुरानी बीमारी चली आ रही थी, उस रोग का नाश होने वाला है, आपकी आयु में वृद्धि होने वाली है, यानी आपकी जो आयु है वो बढ़ गई है हनुमान जी के दर्शनों के बाद, और आपको सुख प्राप्ति होने वाली है। किसी भी प्रकार का सुख जिसकी आपके जीवन में अभाव था, वो सुख आपको बहुत जल्दी प्राप्त होने वाला है। अगर आपको हनुमान जी मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, यानी साक्षात रूप से ऐसे लगता है कि हनुमान जी आपको देख करके मुस्कुरा रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि बहुत जल्दी आपका मनोरथ पूर्ण होने वाला है। आपने जो भी कोई मनोकामना भगवान से मानी थी वो मनोकामना अब आपकी पूर्ण होने वाली है, आपको सफलता मिलने वाली है, मनचाही सफलता आपको हनुमान जी प्रदान करने वाले हैं। और अगर आपको हनुमान जी स्वप्न में दिखाई देते हैं तो ये आपके लिए एक सूचक है कि आप हनुमान जी के लिए कुछ ना कुछ करें। अगर आप सच्चे मन से बालाजी महाराज को याद करते हैं या हनुमान जी को याद करते हैं, बजरंग बाबा को याद करते हैं, तो भगवान आपकी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। और अगर आप हनुमान जी को चोला चढ़ाते हुए देखते हैं, जैसे कि आप देखते हैं हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है मंगल शनिवार के दिन, और आपको ऐसा स्वप्न में दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति हनुमान जी को चोला चढ़ा रहा है, या आप स्वयं भी हनुमान जी को चोला चढ़ाते हुए देखते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपके यहाँ जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो रही है, तो इस कारण से आपको ऐसा स्वप्न दिखाई देता है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रचार और प्रसार हो रहा है। तो यही कारण होता है कि हनुमान जी आपको चोला चढ़ाते हुए दिखाई देते हैं कि हनुमान जी पर चोला चढ़ रहा है। अगर आपको ऐसा स्वप्न आता है कि आप गुड़ चने का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ा रही हैं, बाबा को चढ़ा रही हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये अर्थ होता है कि बहुत जल्दी आपको जॉब मिलने वाली है, यानी कोई नौकरी आपकी लगने वाली है, वो सरकारी नौकरी भी हो सकती है या सामान्य नौकरी भी आपकी लगने वाली है, और जो आपकी आर्थिक परेशानी है वो बहुत जल्दी बालाजी महाराज आपकी दूर कर देंगे। अगर आपको स्वप्न में ऐसा दिखाई देता है कि हनुमान जी हवा में उड़ रही हैं, जैसे कि उड़ते हुए जा रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि जो आपका जीवन स्थिर था, यानी एक जगह पर अगर आपकी कोई गाड़ी अटकी हुई थी, तो उसको गति मिलने वाली है। हनुमान जी ये संदेश देते हैं इस रूप के माध्यम से। अगर आपको बालाजी महाराज की, हनुमान जी की गदा दिखाई देती है, तो बाबा इस गदा के दर्शन के माध्यम से आपको ये संकेत देते हैं कि आपने कोई गलती कर दी है, आपसे कोई ऐसी गलती हुई है जिसके कारण से आपको कोई बड़ी हानि होने वाली है, तो इसके माध्यम से वो आपको ये संकेत देते हैं कि जो गलती आपने की है आपको उसमें सुधार करना चाहिए।
और मित्रों, अगर आपको हनुमान जी दिखाई देते हैं स्वप्न में, तो सबसे पहला कार्य आपको ये करना है कि आप सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, क्योंकि हनुमान चालीसा में इतना बल है जिसका आप कहते हैं एक आभास भी नहीं कर सकते, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि बाबा को पाने का जो सबसे पहला तरीका होता है वो हनुमान चालीसा ही है। और हनुमान चालीसा केवल एक इकलौती ऐसी चालीसा है जिसकी रचना स्वयं भोलेनाथ ने की है। बाकी और जितनी भी चालीसा आप पढ़ते हैं वो सभी चालीसा मनुष्यों द्वारा रचित है, यानी भक्तों ने अपने माध्यम से, अपनी सोच से, अपनी विचारधारा के माध्यम से उस चालीसा का निर्माण किया। लेकिन जो हनुमान चालीसा है उसको स्वयं भगवान भोलेनाथ ने रचा है, यानी उसकी रचना भगवान भोलेनाथ ने की है। तो इसलिए हनुमान चालीसा में सभी चालीसाओं से ज़्यादा बल होता है, क्योंकि वो देवों द्वारा, महादेव द्वारा रचित है। तो इसलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। जो पुरुष हैं उनको तो करना ही चाहिए। और हनुमान जी की पूजा में आपको ये सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये होती है कि आपको शुद्धता रखनी है। जितनी शुद्धता और जितनी पवित्रता के साथ आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो हनुमान जी की जो पूजा है वो बहुत जल्दी फलित होती है। हनुमान जी आपके संकटों का नाश करते हैं और वो आपके जीवन की बाधाओं को बहुत आसानी से दूर कर देते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।